हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकाडमी आज इस सीरीज में हम कंटिन्यू करेंगे थर्टीवर्थ अप्रैल के करंट अफेयर तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वीरेंद्र कुमार लॉन्च डॉक्टर अंबेडकर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस डी ए सी ईस को बोलेंगे ये एक स्कीम लॉन्च की है कौन सी जगह पर की है ये हमसे पूछा मतलब कि यूनियन मिनिस्टर जो हैं सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट वाली मिनिस्ट्री के वीरेंद्र कुमार उनका नाम है ओके वीरेंद्र कुमार इन्होंने लॉन्च किया है एक स्कीम जिसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्कीम या डी ए सी स्कीम ये कहाँ पर लॉन्च की है ये हमसे पूछा है तो ये लॉन्च की है आपकी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में ये वाली स्कीम लॉन्च की है वीरेंद्र कुमार ने डॉक्टर अम्बेडकर डी वाली स्कीम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी यूपी में लॉन्च की है तो जो आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वैसे ही बहुत फेमस यूनिवर्सिटी आपको पता होना चाहिए कि ये वाराणसी यूपी में है यहीं पर ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया है ओब्वियसली uh, जैसे नाम आपको सजेस्ट कर रहा है अम्बेडकर uh, जी की ही ये uh, इन्हीं के ही प्रिंसिपल्स के ऊपर ये जो स्कीम है इसको बनाया गया है और लॉन्च किया गया है अब गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश जो है आनंदीबेन पटेल जो पहले गुजरात की भी गवर्नर रह चुकी हैं इन्होंने ये इसकी चीफ गेस्ट थी ठीक है इस इवेंट की चीफ गेस्ट आनंदीबेन पटेल थी जो अब गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश की और इस स्कीम के अंडर टोटल हंड्रेड सीट्स होंगी uh, किसी भी एक uh, किसी भी मतलब एक कोचिंग सेंटर के अंडर हंड्रेड सीट्स ऐसी प्रोवाइड की जाएंगी जहां पर ऐसी कैंडिडेट्स को कोचिंग वगैरह प्रोवाइड की जाएगी अब कौन सी कोचिंग क्या प्रोवाइड किया जाएगा uh, वो हम देख लेते हैं एक बार डॉक्टर अम्बेडकर चेयर स्कीम एम्स टू प्रोवाइड एडवांस सेंटर्स ऑफ लर्निंग यही जो सेंटर्स हैं जिनकी हमने बात की इन हर एडवांस सेंटर के अंडर हंड्रेड सीट्स होंगी ऐसी स्टूडेंट्स के लिए इन द प्रीमियर यूनिवर्सिटीज़ एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हर यूनिवर्सिटी में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो भी प्रीमियर यूनिवर्सिटीज़ या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होंगे उनमें ये जो है हंड्रेड सीट्स ये रिजर्व की जाएंगी ताकि अलग अलग आइडियाज़ एंड थाट्स को जो बी आर अम्बेडकर जी के अलग अलग थाट्स या आइडियाज़ थे उनको थोड़ा और उनके बारे में अवेयर करवाया जा सके स्टूडेंट्स को ठीक है तो ये मेनली स्कीम में कवर होता है और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें उसका स्टैटिक पॉइंट्स थोड़े देखेंगे हम वाइल्ड लाइफ सैक्चुरीज़ कौन कौन सी हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना ऐसी ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं तो ये हम डिस्कस करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं कटर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी और हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी भी यहीं पर ही है और नेशनल चंबल सेंचुरी भी यहीं पर ही है टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व भी यहीं okay? पर ही है ओके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच प्रोजेक्ट हैज़ वॉन इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस या आई बी सी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन बिल्ट इनवायरमेंट ट्वेंटी ट्वेंटी वन किस परियोजना ने निर्मित पर्यावरण में उत्कृष्टता के लिए भारतीय भवन कांग्रेस या आईबीसी पुरस्कार 2021 जीता है तो ये जीता है आपका अटल टनल ने अटल टनल ने ये जो एक्सेलेंस इन बिल्ट एनवायरनमेंट वाला अवार्ड है ये जीता है आईबीसी के अंडर ये अवार्ड होता है अब अटल टनल की थोड़ी स्टार्टिंग पॉइंट्स देखते हैं कि अटल टनल जो है ना वो नाइन किलोमीटर लॉन्ग टनल है ठीक है नाइन किलोमीटर इसकी लेंथ है और ये बी के द्वारा बनाई गई है जो आपका बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया इस टनल को आ, इस एक टनल ने ये अवार्ड जीता है कौन सी कैटेगरी के अंदर बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की कैटेगरी के अंदर ओके बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मिला है आ, ये वाला अवार्ड मिला है अटल टनल को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही इसको इनाग्रेट किया था कब किया था थर्टीथ अक्टूबर 2020 को ये इनाग्रेट हो गई थी काम में आनी ये शुरू हो गई थी और इसमें एक टेक्नोलॉजी भी यूज़ की गई है कौन सी न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड ठीक है न्यू ऑस्ट्रियन टनियन टर्नलिंग मैथड के थ्रू ये बनाई गई थी टनल ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ऐसी ऐसी चीज़ों को ना एक बार रीड ज़रूर कर लेना चाहिए क्योंकि यू नेवर नो कि एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसलिए मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें भी कवर करवा देती हूँ अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है दी अटल टनल इज़ दी लॉन्गेस्ट हाईवे टनल ग्लोबली अच्छा लॉन्गेस्ट हाईवे Uh, अगर आप ऐसे देखोगे ना कि लॉन्गेस्ट हाईवे टनल कौन सी है ग्लोबली तो uh, एक दूसरी वाली टनल आएगी वो आपने मेरे को बताना है कि अदरवाइज़ कौन सी है बट ये वाली स्पेसिफिकली कौन सी लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है जो अबव टेन थाउजेंड फीट है ठीक है जो टेन थाउजेंड फीट हाई के एक ऑल्टीट्यूड पे है उसको uh, उस uh, वाली कैटेगरी के अंडर लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अटल टनल है इन द वर्ल्ड और एक और आपने बताना है कि जो एक्सेप्ट दिस लॉन्गेस्ट हाईवे टनल ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन सी है ये आपको मुझे बताना है uh, ये फॉरेन की एक टनल है इतना मैं आपको हिंदी दे देती हूँ आपको ये मुझे आंसर बताना है एंड uh, ये वाली जो टनल है अटल टनल ये कनेक्ट किस किस को करती है मनाली को कनेक्ट करती है ये लाहौल स्पीति वैली से ठीक है लाहौल स्पीति वैली में ना पहले क्या होता था कि uh, ये पूरी वैली ना सिक्स uh, मंथ्स के लिए कट ऑफ हो जाती थी बाकी कनेक्टिविटी uh, से ठीक है बाकी uh, हर जगह से इसकी कनेक्टिविटी बिल्कुल बंद रहती है सिक्स मंथ्स के लिए जब वहाँ पर हैवी स्नोफॉल होता था तो इस वजह से अब ये जो टनल है ये इसको ऑल वेदर कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करवा रही है तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है एक और इसमें स्टार्टिंग पॉइंट हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है एक वो इंडिया की लॉन्गेस्ट रोड टनल है ठीक है लॉन्गेस्ट रोड टनल ये तो हाईवे वाली है ना ये अगर ऐसे देखा जाए लॉन्गेस्ट रोड टनल इंडिया की ये वाली टनल है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल ये 9.28 किलोमीटर है ये वाली 9.02 है ना यह नाइन 9.28 किलोमीटर है बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर ओके तो यह भी इंपॉर्टेंट बनता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विद स्टेट हैज अप्रूव्ड इंडिया फर्स्ट जीन बैंक प्रोग्राम फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन किस राज्य ने जैव विविधता uh, संरक्षण के लिए भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है तो यह दी है आपकी केरला सॉरी महाराष्ट्र ने uh, महाराष्ट्र ने दी है ये मंजूरी तो इसके स्टार्टिंग पॉइंट्स देखते हैं थोड़े से तो महाराष्ट्र कैबिनेट हेडेड बाय दी सीएम उद्धव ठाकरे जो आपके महाराष्ट्र के सीएम हैं उन्होंने इसको हेड किया था कैबिनेट को और इन्होंने वहाँ पर आ, अप्रूव किया है इंडिया के फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड महाराष्ट्र जीन बैंक प्रोग्राम को ठीक है महाराष्ट्र जीन बैंक प्रोग्राम को लॉन्च किया है महाराष्ट्र कैबिनेट ने और जिसको हेड किया था सी उद्धव ठाकरे ने बजट कितना है इस आ, एक प्रोग्राम का 172.39 करोड़ रुपीस का बजट है और फाइव ईयर के पीरियड के लिए ये जो प्रोग्राम है इसको चलाया गया अभी ये जो प्रोजेक्ट है ये एग्जीक्यूट किया जाएगा बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और मेन इसका एम रहेगा ताकि ये कंजर्व कर सकें जेनेटिक रिसोर्स इन द स्टेट इंक्लूडिंग मरीन डाइवर्सिटी सीड्स ऑफ लोकल क्रॉप्स एंड एनिमल डाइवर्सिटी अब कौन से जीन्स को इसमें कंजर्व uh, किया जाएगा मरीन uh, डाइवर्सिटी के मतलब मरीन डाइवर्सिटी भी आएगी इसके अंडर सीड्स ऑफ लोकल क्रॉप्स भी आएंगे और एनिमल की डाइवर्सिटी भी इसमें इनके जीन्स को भी इसमें कंजर्व किया जाएगा ओके okay? uh, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इकोलॉजिस्ट एंड फॉर्मर सेक्रेटरी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माधव गदगिल इन्होंने कॉन्सेप्चुलाइज किया है इस एक प्रोजेक्ट uh, को ठीक है मेन इनका ब्रेन है इसके पीछे माधव गदगिल का बस तो आपको इस वाले में ये याद रखना है नेक्स्ट हम आ, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में फेमस बर्ड सेंचुरीज और फेस्टिवल्स हम एक बार देख लेते हैं बर्ड सेंचुरी वहाँ पे फेमस है नंदूर आ, मध्यमेश्वर बर्ड सेंचुरी थाने क्रीक फ्लमिंगो सेंचुरी और तीसरी है आ, जयकवादी बर्ड सेंचुरी ठीक है और फेस्टिवल्स की अगर हम बात करें जो गुड़ी पड़वा का फेस्टिवल होता है वो भी वहाँ का फेमस है नराली पूर्णिमा भी वहाँ की फेमस है और एलोरा फेस्टिवल भी काफ़ी फेमस है महाराष्ट्र का नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लॉन्च अ 90 डे इंटर मिनिस्ट्रियल कैंपेन आज़ादी से अंत्योदय तक हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट पहले आपके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज़ादी से अंत्योदय तक ये एक 90 डे का इंटर मिनिस्ट्रियल कैंपेन है मतलब जिसमें मल्टी मल्टीपल मिनिस्ट्रीज़ हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो इन्वॉल्व हैं तो ये आज़ादी से अंत्योदय तक मिशन लॉन्च किया गया है रूरल डेवलपमेंट द्वारा तो इसमें हमें ये पूछा गया कि रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर कौन हैं यूनियन मिनिस्टर हमारे तो वो हैं आपके गिरिराज सिंह ठीक है गिरिराज सिंह हैं आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट अर्बन डेवलपमेंट के कौन हैं हरदीप सिंह पुरी ओके okay? uh, नारायण टी ने आपके एमएसएमई के हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत आपके वो जल शक्ति मिनिस्टर हैं ये अर्बन वाले हैं और ये रूरल वाले है। ठीक है नेक्स्ट इसके पॉइंट्स थोड़े हम देख लेते हैं द कैंपेन इज लॉन्च विद विद 17 सिलेक्ट बेनिफिशरी स्कीम्स अंडर नाइन सेंट्रल मिनिस्ट्रीज अब क्या है इस कैंपेन के अंडर जो ये आपका 90 डेज़ का कैंपेन चल रहा है इसमें 75 फ़ाइव डिस्ट्रिक्स को जो आपकी 28 स्टेट्स और यूटीज़ में अ, अलग अलग जगह पर होंगी उन 75 फ़ाइव डिस्ट्रिक्स को ना 17 कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो बेनिफिशरी स्कीम्स होती हैं मतलब जिनसे कुछ फ़ायदा होने वाला है वहाँ के लोगों का वो वहाँ पर एम्प्लाय की जाएंगी ठीक है वो वहाँ पर मतलब ऐसे जगह जगह तक पहुँचाई जाएंगी Uh, जो नाइन अलग अलग सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के अंडर है अब क्योंकि हम 17 सिलेक्ट बेनिफिशरी स्कीम्स या कौन सी 75 फाइव डिस्ट्रिक्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा नंबर हो गया वो हम उतना नहीं कवर कर सकते और ना ही उतना बनेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक बार हम नाइन सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ जो हैं इसमें इन्वॉल्व वो देख लेते हैं क्योंकि ये वैसे भी इंटर मिनिस्ट्रियल एक प्रोग्राम है ना तो नाइन कौन सी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व है या डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं वो हम देख लेते हैं फर्स्ट आपका है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो ऑब्वियस है जो लॉन्च कर रहा है इसको ठीक है और सेकेंड है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और दिव्यांगजन के लिए भी है ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ़ फाइनेंशियल सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड ऑन्टरप्रिनरशिप डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हजबेंड्री एंड डेयरिंग और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ये नाइन सेंट्रल मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं ठीक है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय क्रिप्टो एनालिटिक्स फॉर्म चे एनालिसिस वॉट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एस्टिमेटेड क्रिप्टो गेंस इन 2021? क्रिप्टो एनालिसिस फॉर्म चे एनालिसिस के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2021 में अनुमानित क्रिप्टो लाभ में भारत का रैंक क्या है ठीक है तो जितने क्रिप्टो गेंस होते हैं 2021 में वो कितने हुए हैं उसकी ना एक रैंक्स निकाली है उसका एक इंडेक्स निकाला है उसमें इंडिया की क्या रैंक है ये पूछा गया आपको इसको कैसे याद रखना है 2021 का पूछा है ना ठीक है ट्वेंटी ही रैंक है इंडिया की ओके ट्वेंटी का ये डाटा है ट्वेंटी ही रैंक है इंडिया की इसमें इसके थोड़े और पॉइंट्स देखते हैं हम इंडिया का इसमें कितना क्रिप्टो गेन हुआ है ट्वेंटी uh, ट्वेंटी में नहीं टोटल सॉरी ओवरऑल कितना गेन हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड हुआ है 162.7 बिलियन डॉलर्स का 2021 में और जिसमें से आ, अगर 2020 की बात करें 2020 से अगर इसको कंपेयर करें तो 32.5 बिलियन डॉलर्स ही था सिर्फ 2020 में पर 2021 में ये बढ़ के हो गया 162.7 बिलियन डॉलर्स ठीक है और ये सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम है जब चेन एनालिसिस ने इसको इस डाटा को रिलीज़ किया है इंडिया की रैंक इसमें ट्वेंटी है हमने डिस्कस कर लिया और इंडिया का कितना गेन है ट्वेंटी uh, ट्वेंटी का 1.85 बिलियन ठीक है ये आपके लिए हल्का सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1.85 बिलियन इंडिया की uh, आपके क्रिप्टो गेंस हैं 2021 के और इस इंडेक्स को टॉप किसने किया है मेनली टॉप किसने किया और इंडिया की रैंक ही ज़्यादातर सारे इंडेक्स में मैटर करती है तो टॉप किया है इसको यूएस ने और यूएस का कितना गेन है यू एस का इसमें मैंशन नहीं किया हुआ अभी uh, ये आई एगिस एट के आगे का थोड़ा मिस हो गया है ये हम ना पीडीएफ में ऐड करवा देंगे आई गेस यहाँ इसमें थोड़ा टाइपिंग एरर आ गया होगा अच्छा चेन एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं अगर तो उसके सी हैं माइकल ग्रोनागर और हेड क्वार्टर्स हैं इसके न्यूयॉर्क यू में इंडिया का फर्स्ट इंडेक्स इसी से ही रिलेटेड क्योंकि हम क्रिप्टो करेंसीज़ की बात कर रहे हैं क्रिप्टो गेम्स की बात करें तो अगर हम बात करें कि इंडिया में सबसे पहला हमारा इंडेक्स जो क्रिप्टो करेंसीज़ के लिए है वो कौन सा है आई सी ठीक है आई सी है ये आपको याद रखना है और ये लॉन्च किया किसने है कौन सी कंपनी लॉन्च किया है क्रिप्टो वायर ने ये कंपनी का नाम और ये इंडेक्स का नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर क्रिप्टो करेंसी से कोई भी क्वेश्चन आता है तो ठीक है तो ये क्रिप्टो वायर ने इसको लॉन्च किया है इसमें क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉक चेन उन सब की नॉलेज वगैरह बढ़ाने के लिए ये जो इंडेक्स है इसको लॉन्च किया है ओके ज लॉन्च अ कॉम्प्रीहेंसिव डिजिटल इको सिस्टम टू एम्पावर एम एस एम ईज इन इंडिया एम एस एम ईज को या जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं उनको एम्पावर करने के लिए इंडिया में फॉलोइंग में से कौन सी आ, जो कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल इको सिस्टम है वो लॉन्च किया है कौन से बैंक ने किया है वो ये हमसे पूछा गया इसमें तो ये किया है आपका आईसीआईसी बैंक ने ओके आई सी आई सी आई बैंक ने Uh, ये कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल इको लॉन्च किया है एम के लिए तो फर्स्ट uh, वाले पॉइंट में आपका यही दिया है कि ये किया है और साथ में जो वैल्यू एडेड सर्विसेज वगैरह हैं वो प्रोवाइड करवाई हैं ये जो इकोसिस्टम है ये तीन पिलर्स uh, की uh, मतलब इसमें तीन पिलर्स का सपोर्ट है कौन कौन से हैं वो एनहांस्ड बैंकिंग सर्विसेज फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर जितने भी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके लिए बैंकिंग सर्विसेज को और एनहांस कर दिया गया है और सेकेंड है अ अवेराइटी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज टू एम एस एम ईज वो आर कस्टमर्स ऑफ अदर बैंक अब अगर कोई और बैंक के भी कस्टमर्स हैं ना उनको भी बैंकिंग सर्विसेज एम एस एम ईज के लिए ये जो आई सी आई सी आई बैंक है ये प्रोवाइड करवाएगा और साथ में अ वाइड रेंज ऑफ एडिड वैल्यू सर्विस या वैल्यू एडिड सर्विसेज फॉर एवरी वन चाहे वो कस्टमर हैं चाहे नहीं हैं बैंक के उनके लिए भी वैल्यू एडिड सर्विसेज की एक वाइड रेंज इसमें प्रोवाइड की गई है ठीक है दिस वुड सर्व एज अ कॉम्प्रीहेंसिव प्लेटफॉर्म फॉर द एम एस एम ई सेक्टर ऑब्वियसली एम एस एम ई के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी एक बहुत बड़ा स्टेप हो जाएगा तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और विच इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी बाई इम्प्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अब देखो जब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी तो ऑब्वियसली वो अपना uh, उनकी ग्रोथ वगैरह ज़्यादा अच्छी होगी तो मतलब एम एस एम ई की ग्रोथ के लिए भी ये जो प्रोग्राम है ये हेल्प करेगा The मोस्ट असेंशियल ऑफ दीज services इज़ इंस्टा ओ डी प्लस ये आपको याद रखना है ये जितने भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्विस है इंस्टा ओ डी प्लस जो प्रोवाइड करेगी इंस्टेंट और पेपरलेस ओवर ड्राफ्ट ओडी क्या है यहाँ पे ओवर ड्राफ्ट एकदम इंस्टेंट ओवर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है ये प्रोवाइड करवाने वाले हैं कितने तक की ट्वेंटी फाइव तक की ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी एकदम इंस्टेंट और पेपरलेस प्रोवाइड करवाएंगे आई सी बैंक वाले तो हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस हिसाब से, से पूछ लिया जाए कि कौन से बैंक ने ये वाली सर्विस लॉन्च की है एम एस के लिए ठीक है तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है ये आपको ये वाला पॉइंट आपको स्पेसिफिकली ज़्यादा याद रखना है और ये क्वेश्चन uh, आपका मेनली एग्ज़ाम आपके बैंक के एग्जाम्स में काम आएगा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फ्लिपकार्ट साइंस एम ओ यू विद विद स्टेट गवर्नमेंट टू सपोर्ट आर्टिस वीवर्स हैंडीक्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट मेकरस फ्लिपकार्ट ने कारीगरों बुनकरों हस्तशिल्प निर्माताओं का समर्थन करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तो ये किए हैं आपके महाराष्ट्र के साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ मिलके ये जो एम है इसको साइन किया गया है सॉरी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ मिलके इसको लॉन्च किया गया ये थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये जो एम है इसको साइन किया है फ्लिपकार्ट ने महाराष्ट्र के साथ शायद किसी और कंपनी ने फ्लिप लॉन्च किया था कोई एम उसके बारे में आपको पढ़ के एक बार शायद कल बता दूँ ये वाले क्वेश्चन में क्या है कि फ्लिपकार्ट ने एम साइन किया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ ताकि जो वेस्ट बंगाल के एम और टेक्सटाइल डिपार्टमेंट हैं उनको सपोर्ट किया जा सके और वहाँ के जितने भी लोकल आर्टिस हैं जितने भी लोकल कारीगर हैं या वीवर्स हैं जो ब, ब, कुछ भी चीज़ों को बुन रहे हैं जैसे आ, वो करते हैं ना बांस से भी कुछ बुनते हैं तो वैसे वैसे चीज़ों को या हैंडीक्राफ्ट की जितनी भी चीज़ें वहाँ पर बनती हैं आ, उनको और थोड़ी यू नो हेल्प मिल सके ताकि वो अपने काम को और बढ़ा सकें ई कॉमर्स तक ले जा सकें मतलब ऑनलाइन भी अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकें उसके लिए एक बूस्ट मिलने के लिए ये जो है एमओयू इसको साइन किया गया है ताकि फ्लिपकार्ट तक उनकी प्रोडक्ट्स को पहुंचाया जा सके ठीक है दिस एम ओ यू हेज़ बीन साइंड अंडर फ्लिपकार्ट समर्थ प्रोग्राम अब समर्थ प्रोग्राम के बारे में हम नीचे पढ़ेंगे कि फ्लिपकार्ट का जो समर्थ प्रोग्राम है वो एक ऐसा इनिशिएटिव है जो डेडिकेट किया गया है उन लेस प्रिवलेज सेक्टर्स को या बॉडीज़ को जो कि मतलब इंडिया में या मतलब अपनी सोसाइटी में ना कुछ एक बेटर गुड के लिए कुछ काम कर रहे हो ओके कुछ भी बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हों उनको और एम्पावर करने के लिए जो मतलब जिनके पास फाइनेंशियली इतनी आ, वो पावर नहीं होती है कि वो अपने दम पे आगे अपना काम को लेके जा सकें तो उनको ज़्यादातर उनको थोड़ा और आ, क्या कहेंगे एम्पावर करने के लिए ये जो फ्लिपकार्ट समर्थ प्रोग्राम है ये चलाया गया था तो ये भी आ, उसी के ही अंडर ये वाला एम भी साइन हुआ है ओके नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर्स आ गए अब दीपिका पदुकोण हैव बीन नेम्ड एज अ मेंबर ऑफ द ज्यूरी इन द केन्स फिल्म फेस्टिवल दिस ईयर ये या आपको याद सिर्फ इतना रखना है कि केन्स फिल्म फेस्टिवल की ज्यूरी में इस बार दीपिका पादुकोण भी होंगी इससे पहले भी कुछ इंडियन एक्ट्रेस थी जो केन्स की आ, फिल्म फेस्टिवल की ज्यूरी मेंबर रह चुकी हैं तो इस बार के फिल्म फेस्टिवल की दीपिका पादुकोण यहाँ से ज्यूरी मेंबर रहेंगी आर बी आई इम्पोज पेनल्टी ऑफ वन पॉइंट वन टू करोड़ ऑन बैंक ऑफ महाराष्ट्र फॉर नॉन कम्प्लायंस ये नॉन कम्प्लायस के वाई सी की थी ठीक है मतलब केवाई सी नॉम्स को नहीं कंप्लीट कर पाया था बैंक ऑफ महाराष्ट्र तो आर ने उस पर वन करोड़ का पेनल्टी लगा दी है नेक्स्ट uh, पॉइंट है हमारे पास मॉलिकुलर बायोफिजिसिस्ट एंड स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट प्रोफेसर पद्मश्री एम विजयन पास हुए तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एक पद्मश्री अवॉर्ड ही थे जिनका नाम था एम विजयन उनकी डेथ हो चुकी है वो क्या करते थे वो मॉलिकुलर बायोफिजिसिस्ट थे या फिर स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट प्रोफेसर थे ओके okay? नेक्स्ट वहाँ पास पॉइंट है दी एन लिमिटेड जिसको पहले बोला जाता था नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर आती है इसको फर्स्ट पोजीशन का प्राइज़ मिला है चार कैटेगरीज में कौन से अवार्ड्स में पब्लिक रिलेशन अवार्ड्स 2022 में ठीक है एन को पब्लिक रिलेशंस अवार्ड्स 2022 में फ़र्स्ट अवार्ड मिला है फोर कैटेगरीज के अंदर मतलब चार कैटेगरीज़ में फर्स्ट प्राइज़ जो है एन ने जीता है अब वो चार कैटेगरीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ बनता नहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एन को ऑनर किया गया है कौन कौन सी कैटेगरीज़ के अंडर कॉरपोरेट वेबसाइट पहला इनका जो कैटेगरी uh, थी दूसरी है एनुअल रिपोर्ट तीसरी है लेआउट एंड डिज़ाइन ऑफ न्यूज़ लेटर चौथी है सी एस वीडियो ये चार कैटेगरीज़ के अंडर एन को फर्स्ट अवार्ड uh, मिला है इन चार कैटेगरीज में ओके नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है दी सेबी हैज रिड्यूस्ड टाइम टेकन फॉर अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग ऑफ आर आई टी एस जो आपका रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं एंड इनविट्स इनविट्स क्या होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आफ्टर द क्लोजर ऑफ इशू सिक्स वर्किंग डेज अगेंस्ट द करंट रिक्वायरमेंट ऑफ ट्वेल्व वर्किंग डेज अब सेबी ने जो आपका सिक्योरिटीज एंड सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उन्होंने क्या किया है रीट्स और इनविट्स के अंडर Uh, जो आपका क्लोजर uh, टाइम होता था ना इशू के बाद वो सिक्स डेज़ का कर दिया है वो रिड्यूस करके सिक्स डेज़ का कर दिया है करंटली कितना है वो ट्वेल्व वर्किंग डेज़ का टाइम था अब उसको घटा के सिक्स वर्किंग डेज़ कर दिया है ये एप्लीकेबल कब से हो जाएगा जून वन 2022 से ये आपको सिर्फ जो बोल्ड में है उतना ही याद रखना है ठीक है या तो आपकी आपसे इसकी भी पूछ ली जा सकती है कि आपको ये पूरा क्वेश्चन जो है जो ये जो पूरा पॉइंट है ये आपको एक क्वेश्चन फॉर्म में दे दिया जाएगा कि ये इन्फॉर्मेशन पूरी प्रोवाइड कर दी जाएगी फिर पूछ लिया जाएगा कि रीट्स की रीट्स में ई e की क्या फुल फॉर्म है ऐसे तो आपके लिए जो ये जो बोल्ड वाले पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट बनते हैं ये आपको याद रखना है नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि रशिया विड्रॉज फ्राम यू वर्ल्ड ट्रेड वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन एज वेल अब रशिया ने पहले भी आ, एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में से उसको निकाल दिया गया था वो भी हम नेक्स्ट में कवर करेंगे बट अभी रशिया ने विड्रॉ कर लिया है यू के वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक तो डब्ल्यू वो भी होता है ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसमें से नहीं वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन में से रशिया ने ख़ुद को विड्रॉ कर लिया है यूक्रेन की वॉर के साथ आ, की वजह से ही ठीक है यूक्रेन के साथ जो जिसकी वॉर थी इसी की वजह से अब ये खुद से तो नहीं करने वाला था ये बट अर्लियर इन मार्च मतलब मार्च में इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये अनाउंस कर दिया था कि हम रशिया को सस्पेंड कर देंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन से उसको निकाल देंगे तो रशिया ने इससे पहले कि वो निकाले उन्होंने खुद ही विड्रॉ कर दिया कि हम खुद ही इधर से बाहर जा रहे हैं अब इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रशिया नहीं है और रशिया पहले भी सस्पेंड हुआ है कहाँ से हुआ है यू एन से ये हमने डिस्कस भी किया था ना इसका हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि यू का जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उसमें से भी रशिया को बाहर निकाल दिया गया जबकि उनके जो एफ़ फाइव थे Uh, उनमें से भी एक कंट्री थी रशिया और ये पहली ऐसी कंट्री बनी थी जो एफ फाइव मेम्बर में से बाहर गई थी और दूसरी ऐसी कंट्री जो नॉर्मली लाइक यू uh, एन एच आर सी से सस्पेंड की गई हो ठीक है तो uh, ये भी ये पुरानी न्यूज़ थी क्योंकि इसके साथ रशिया ने uh, मतलब यहाँ से भी एक ऑर्गेनाइजेशन से रशिया बाहर निकला तो इसके लिए मैंने पुराना वाला भी यहाँ से रिवाइज करवा दिया आपको अब लास्ट हमारा पॉइंटर है दि उन्नत भारत अभियान यू बी ए टू पॉइंट ओ On April 25, 2022 has completed four years since its launch. The same day, in 2018, 25 April 2018 अप्रैल दो हज़ार अठारह को जो आपका उन्नत भारत अभियान है इसको लॉन्च कर दिया गया था तो टू पॉइंट ओ को लॉन्च कर दिया गया था अब इसको चार साल कम्प्लीट हो गए हैं ठीक है बस ये न्यूज़ थी आपकी आज की अब अगर इस न्यूज़ में आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मैं आपसे कल मंडे को मिलूँगी नेक्स्ट के साथ थैंक यू